सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल मम्मा एंड प्रिंसेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मोमोज और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। भी चलिए फटाफट बना लेते हैं। सबसे पहले मैं अपना डो रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, डो बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, उसमें मैं हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए हाफ टी स्पून का भी हाफ मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। और फ्रेंड्स, ये भी देखिए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया। अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करूंगी और इसको एक अच्छा सा सॉफ्ट, ना बहुत ज़्यादा गीला और ना बहुत हार्ड, मैं एक अच्छा सा डो रेडी करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डो रेडी कर लिया है और अब मैं इसको कम से कम 15 मिनट्स के लिए एक लीड लगा के रख दूंगी। ये देखिए, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब मैं इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने को रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक ये 15 मिनट्स लिए सेट हो जाएगा, तब तक मैं अपनी चिकन की तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने बोनलेस चिकन लिया है। अब मैं इसको मिक्सर में पहले कीमा बना लेती हूँ बारीक सा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने चिकन को पीस के कीमा बना लिया है, बहुत बारीक सा कीमा बन गया है। और मैंने ये देखिए 3 ग्रीन चिली को अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है, थोड़ी ये धनिया पत्ती भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है, थोड़ी सी मैंने एक टुकड़ा अदरक का भी मैंने कद्दूकश कर लिया है, और एक प्याज मैंने बड़ी प्याज को बारीक सा फाइन चॉप कर लिया। अभी चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं अपने कीमे में। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल लेती हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल लेती हूँ 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 मिर्ची डाली है, इसलिए 1/2 टीस्पून। सॉल्ट भी मैं 1/2 टीस्पून लेती हूँ, बाद में मैं चेक करूँगी, अगर और चाहिए तो और डाल दूँगी। 1 टीस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, इसको कम ही रखिएगा क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है। अभी चलिए हम सब मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा लेमन डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा चिकन तैयार हो गया फिलिंग करने के लिए। अब इसको साइड में करके रख देते हैं और अपने डो को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए डो काफ़ी स्मूथ हो गया। अब इसको थोड़ा पानी लगा के मैं और सॉफ्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा डो तैयार हो गया, बहुत देखिए सॉफ्ट है। अब चलिए हम अपने मोमोज की तैयारी करते हैं। इसको पहले बेल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने छोटी छोटी सबकी लोई बना लिया है। अगर आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर सकती हैं, अगर आप एक बड़ी लोई बना के भी उसको बड़ी सी चपाती बेल के और एक कटोरी से काट सकती है, बट मैंने छोटी छोटी साइज की बना ली है। अब इसको मैं बेल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस साइज की एक छोटी टिक्किया बना ली। अभी मैं इसमें अपना जो चिकन बना के रखा है उसको फिल करती हूँ और फटाफट बनाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको बहुत पतली भी नहीं करना है और ना मोटी रखना है। देखिए देखिए, और मोमोज का तो शेप आप अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकती हैं, कोई गोला बना देता है, कोई कैसा। मैंने बहुत इजीली ये बन जाता है, देखिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक बर्तन में पानी रख दिया है, वो गर्म हो गया अच्छे से। और मैंने ये देखिए एक छन्नी में ऑयल से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। अब मैं अपने सारे मोमोज इसमें रख देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रख दिया। अब मैं इसको इसके ऊपर रख देती हूँ। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी छन्नी पानी में नहीं टच होनी चाहिए, पानी का लेवल नीचे रखिएगा। और मैं इसको अब कवर कर देती हूँ मीडियम फ्लेम पे। मैं इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। एक बार 15 मिनट पे मैं इसको चेक कर लूँगी, अगर हो जाएगा तो उतारूंगी, नहीं 5 मिनट्स के लिए और रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट्स हो चुके हैं, अभी मैं चेक कर लेती हूँ।
वाओ, देखिए मेरे मोमोज कितने फूले फूले अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए गर्मा गर्म मेरा मोमोज रेडी है, चिकन मोमोज, और इसकी चटनी भी रेडी है। चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं डाल दूंगी बनाकर, और देखिए कितना टेस्टी यम्मी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।